सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए नए नए वीडियोस रोजाना देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने सारे लैपटॉप्स जो आप यूज़ कर रहे हैं उन्हें कैसे एक ही लैपटॉप से आप अपने दूसरे कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हैं, या अपने एंड्रॉयड डिवाइस से अपने सारे कंप्यूटर या पीसीज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे कि आपको मेरी डेस्कटॉप पे एक आइकन नज़र आ रहा होगा, टीम व्यूअर, यहाँ पर मैंने अपने दोनों कंप्यूटर जो है वो एक ही साथ स्टार्ट किए हुए हैं। आप दोनों में ही देख सकते हैं, टीम व्यूअर नाम का है सॉफ्टवेयर, दोनों इंटरनेट कनेक्शन से कनेक्टेड है। और सबसे पहले आपको टीम व्यूअर जो सॉफ्टवेयर है वो आपको अपने दोनों कंप्यूटर में इंस्टॉल करना होगा और उन्हें स्टार्ट करना होगा, ओपन करना होगा अपने दोनों ही लैपटॉप में। तो जैसा कि यहाँ पर हमारे इस कंप्यूटर में यह एक ओपन हो गया है, तो सबसे पहले इसमें आपको साइन इन करना है आपके टीम व्यूअर में, और एक ही ईमेल आईडी से आपको दोनों लैपटॉप्स में साइन इन करना है। और यहाँ से आप अपने कंप्यूटर को जो है वो एक ग्रुप बना सकते हैं। जैसे कि मेरा यहाँ पर ग्रुप है माई कंप्यूटर्स के अंदर, मेरे दो लैपटॉप्स नज़र आ रहे हैं, एक का नाम मैंने बिट्टू पीसी दिया हुआ है और एक का नाम एच पी गेमर जो है वो ये वाला लैपटॉप है, और जो बिट्टू पीसी है वो मेरा दूसरा वाला लैपटॉप है। तो जैसा कि मैं बिट्टू पीसी जो है उसके अंदर भी अपना लैपटॉप अपना टीम व्यूअर शुरू करके बताता हूँ आपको। यहाँ पे ये चालू हो गया, इसमें जैसा बता रहा है ये बिट्टू पीसी, और जो दूसरा कंप्यूटर है वो है एचपी गेमर। तो बस हमको करना ये है कि जिस कंप्यूटर पर हम है या जो भी कंप्यूटर हमारे पास है उस पर हमें अपना टीम व्यूअर ओपन करना है। और जैसे कि मुझे ये वाला अगर कंप्यूटर कंट्रोल करना है तो मुझे सिर्फ इस पर डबल क्लिक करना होगा। तो जैसे मैं डबल क्लिक करूँगा, ये जो टीम व्यूअर है वो मेरे दूसरे लैपटॉप जिसके अंदर भी टीम व्यूअर ओपन है वो ओपन हो, एक दूसरे से लिंक करके ऑनलाइन कनेक्ट हो जाएंगे। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर ये कनेक्टिंग बता रहा है, और यहाँ पर इनकमिंग कनेक्शन और ऑथेंटिकेशन बता रहा है, और जो है यहाँ पर हमारा ये इनिशियलाइजिंग डिस्प्ले पैरामीटर्स कनेक्टिंग टू पीसी, और ये हमारा जो है वो कंप्यूटर्स में शो हो गया जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। अब इस कंप्यूटर जो हमारा सेकंड कंप्यूटर है जो कि हमसे दूर है, अभी हम उसके पास नहीं है, उसका वो उसमें ऑटोमेटिकली यहाँ पर शो हो जाएगा, यहाँ पर कि हमारा जो एचपी गेमर का जो कंप्यूटर है वो इससे इस कंप्यूटर से टीम व्यूअर के जरिए कनेक्ट हुआ है। और ये देखिए यहाँ से मैं अपना उस कंप्यूटर का कुछ भी कंट्रोल कर सकता हूँ, जैसे कि उसका माई कंप्यूटर, ये उस कंप्यूटर का माई कंप्यूटर ओपन हो गया है, ये उसकी सारी ड्राइव्स, यहाँ से मैं इसे इस पैनल को मिनिमाइज कर सकता हूँ, और ये जो सारे जो भी है हमारे सॉफ्टवेयर जो मैं रखे हुए हैं सी ड्राइव में वो सब आ गए हैं। तो ऐसे हम इस कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि अगर हमारे पास जो हमारा पीसी है, अगर हमें कोई दूसरा हमारा जो पीसी जो हमारे पास नहीं है और हमें उसे दूर से ही कंट्रोल करना है तो हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये थी कंप्यूटर को कंप्यूटर से कंट्रोल करने की बात। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने एंड्रॉयड डिवाइस से अपने लैपटॉप कैसे कंट्रोल करें। तो आपको आपके एंड्रॉयड डिवाइस में सबसे पहले आपको वही टीम व्यूअर इंस्टॉल करना होगा जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद बस आपको आपका सॉफ्टवेयर
मतलब टीम व्यूअर ओपन करना है, उसमें उसी आईडी से लॉगिन करना है जिसमें आपने आपके पीसी से किया हुआ है और जिसमें आपके कंप्यूटर का ग्रुप जुड़ा हुआ हो। तो यहाँ पर मेरा साइनिंग इन हो रहा है और साइन इन होने के बाद जैसा कि यहाँ पर मेरा ग्रुप शो हो रहा है माय कंप्यूटर्स, जैसा कि पहले कंप्यूटर्स में शो हो रहा था, तो बस मुझे इस ग्रुप को ओपन करना है और यहाँ पर भी मेरे वापस से वही दोनों कंप्यूटर शो हो जाएंगे। एक मेरा ऑफलाइन कंप्यूटर जो मेरे ऑफिस का कंप्यूटर है वो यहाँ पर शो हो रहा है जो कि बंद है इसलिए ऑफलाइन शो हो रहा है। तो जैसा कि मुझे अपने HP गेमर वाले कंप्यूटर से कनेक्ट होना है तो मुझे सिर्फ इस कनेक्ट बटन पर क्लिक करना होगा और जैसा ही मैं क्लिक करूंगा यहाँ पर प्लीज वेट वाइल कनेक्टिंग बताएगा। कनेक्शन नाउ आउटगोइंग। और यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस आ गए हैं कि हमें कैसे माउस का यूज़ करना है, कैसे जूम इन, डबल टैप या डबल क्लिक करना है और कैसे सब इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ सकते हैं। डोंट शो दिस डायलॉग अगेन, कंटिन्यू। ये रहा मेरा डेस्कटॉप, यहाँ पर मैं आ गया। इसे माउस को मैं इस प्रकार से चला सकता हूँ, जूम इन और जूम आउट के लिए विंडो को ऐसे कर सकता हूँ। और जैसा कि मुझे वापस से अगर अपना माई कंप्यूटर ओपन करना है तो बस मुझे इस पर दो बार टिक करना होगा कि मेरा कंप्यूटर ओपन हो गया है। यहाँ पर अगर आपको कीबोर्ड काम में लेना हो तो आप इस बटन को क्लिक कर सकते हैं ऐसे और कुछ भी टाइप कर सकते हैं। और यही सेम वहाँ पर मेरे पीसी में हो रहा होगा जो मैं भी यहाँ पर कर रहा हूँ। तो जैसा कि मेरे कंप्यूटर में शो हो रहा है कि नहीं मिर्जा जिसका IP जिसकी टीम व्यूअर ID ये है और यहाँ से वो कनेक्ट है, मैं चाहूँ तो अपना कंप्यूटर से कनेक्शन क्लोज कर सकता हूँ या अपने टीम व्यूअर से कनेक्शन अपना क्लोज कर ही सकता हूँ अपने मोबाइल से। तो बस अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए नए नए वीडियोस रोजाना देखने के लिए।